साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं भैरवं सिद्धकूटकत्रयं पदगुं त्रिक्रमण्डलं वीरानश्चिष्णोकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मारण मंत्राश्रितं वंदे गुरुर्मण्डलं। साइड के लोग भी बैठ जाओ, साइड में जो खड़े हो तंत्र के क्षेत्र में शिवरात्रि, दीपावली की रात्रि और होली की रात्रि श्रेष्ठ कहलाए गए हैं। शिवरात्रि ये आध्यात्मिक क्षेत्र में योग साधनाएं, आत्मा परमात्मा का मिलन, देवताओं का मिलन, देवताओं की जागरूकता, अपने आत्म का उद्धार, ये साधनाएं सब शिवरात्रि में की जाती हैं। दीपावली की रात्रि शक्ति की रात्रि कहलाई जाती है और होली की रात्रि आनंददायक रात्रि कहलाई जाती है। आनंद प्रदान करने की रात्रि को होली की रात्रि कहा गया है। इस होलिका के बारे में यह कहा जाता है कि हम सत्य युग में जब शिव पार्वती का विवाह की समस्या चल रही थी, माँ सती जी ने अपना देह त्याग दिया था और शिव जी उनके देह को लेकर घूम रहे थे, तो भगवान विष्णु ने उनके उस ताप संताप को देखकर कहा कि अगर शिव जी ऐसा ही संतापवान रहे तो संसार उनके संताप से जलता चला जाएगा। सारी देवताओं ने कहा कि माता सती के शव को लेकर शिव जी पूरा ब्रह्मांड घूम रहे हैं, अगर उनको शांत नहीं किया जाए, उनके संताप को शांत नहीं किया जाए तो सारा संसार जल उठेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? सभी लोग भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि आप कुछ करो। भगवान शिव जी के इसको देखकर विष्णु ने कहा मेरे को भी दूसरा तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं मेरे सुदर्शन चक्र को आह्वानित करता हूँ और कहता हूँ कि माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए जाए। जब तक वो शरीर रहेगा उनका संताप वैसा ही बना रहेगा, वो संताप तब तक नहीं हटेगा जब तक उनका शरीर उनके पास से दूर नहीं हटेगा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को भेजा और सुदर्शन चक्र उनके शरीर के टुकड़े करता गया। प्रधान टुकड़े उनके शरीर के जहाँ गिरे वह अष्टादश शक्तिपीठ कहलाए और सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े गिरे वो 52 शक्तिपीठ कहलाए। जब जब शिव जी संताप में देखते देखते देखिए देखते क्या है कि उनके शरीर सती का शरीर पिघल गया है, तो देखकर एकदम भगवान विष्णु की तरफ देखने लगे कि तुमने क्या किया, शरीर किस तरह तैयार किया। तो विष्णु ने शांत होकर कहा कि हे महादेव, योग और समाधि के आप त्राता हो, देवता हो, आप ही शांत नहीं होंगे तो इस संसार की गति क्या होगी, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप शांत हो जाइए। जब शिव जी से सारे देवताओं ने, सारे लोगों ने प्रार्थना की और कहा कि आप शांत हो जाइए, तो उन्होंने कहा मेरी सती कहाँ है। तो उन्होंने 18 शक्तिपीठों को और 52 शक्तिपीठों को बताते हुए कहा प्रभु जहाँ जहाँ शक्तिपीठ हुए वहाँ आप लिंग रूप में वहाँ भैरव बनकर या शिव बनकर वहाँ रहेंगे जहाँ माता सती के शक्ति के टुकड़े गिरे हैं। शिव जी जब ये देखकर रह गए और एक समय के लिए उनके आंखों से जो अश्रु गिरे वही रुद्राक्ष कहलाए। इसमें हम सब लोग जानते हैं रुद्राक्ष एक मुखी है, द्विमुखी है, त्रिमुखी है, चतुर्मुखी, पंचमुखी, ऐसे 21 मुखी तक रुद्राक्ष है। लेकिन जो सती के संताप में आंखों से अश्रु गिरे और जो रुद्राक्ष बने उसे एक मुखी रुद्राक्ष कहा गया है और वह संसार का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष कहा गया। जिसके पास रुद्राक्ष होता है
स्वयं शिवजी उसके पास रहते हैं, क्योंकि वो रुद्राक्ष में माता सती के प्रति उन्होंने अपना प्रेम जताया, प्रेम बताया है। शिवाय और सती का ध्यान करते हुए समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ ऐसी समाधि लग गई शिवजी को कि उनको संसार का भान नहीं रह गया। जब मेरी सती ही नहीं रही तो मुझे संसार से क्या लेना देना। वे पूर्ण रूप से समाधिस्थ हो गए, योगी हो गए। ब्रह्मा विष्णु को यह चिंता भी बनाया नहीं, सताने लगी कि अब शिवजी अगर ऐसी समाधि लें जिसके ऊपर लोक कल्याण ना हो, किसी का कल्याण ना हो, वे ऐसे योग समाधि में चले गए तो जीवन कैसा होगा, आगे क्या होगा, सभी लोगों को चिंता लग गई। तब सारी महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली दुर्गा के रूप में सभी लोगों ने जाके माँ दुर्गा को, भगवती को, पराम्बा शक्ति को, आदिपरा शक्ति को प्रार्थना की कि शिवजी के लिए कुछ ना कुछ करो कि वे लोक कल्याणार्थ देखे, माँ तुम कुछ करना है। तो आदिपरा शक्ति ने कहा मेरे आशीर्वाद के अनुसार मैं हिमवान की पुत्री बनकर जन्म लूंगी और मैं उनकी योग समाधि का वे समाधि को भंग करके लोक कल्याणार्थ उनको आगे लाऊंगी। उन्होंने पर्वत पुत्री हिमावान की पुत्री के रूप में पार्वती के नाम से जन्म लिया, बढ़ती गई। जब हिमवान पर्वत को लगा कि अपनी लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए, लेकिन पूर्व जन्म के उन उस ज्ञान के कारण, संस्कृत के कारण, वह तो शिवजी को ही अपना पति मानकर बैठ गई। लेकिन जब हिमवान पर्वत को लगा और उनकी माता मेनका को लगा कि ये मैनाकिनी को लगा कि यह उस शिवजी को जो समाधिस्थ है, जो योग समाधि में बैठे रहते हैं, भस्म धारण करते हैं, मृगचर्म धारण करते हैं, हिमालय में ठंडी में बैठे रहते हैं, कभी भी समाधिस्थ रहते हैं, उनके जीवन में न कोई आनंद है न कोई सुख है, ऐसे घर में मैं मेरी बेटी को दूंगा तो मेरी बेटी सुखी होंगी क्या। जब उनको ऐसा विचार आया अब क्या करें, लेकिन यह बात पार्वती को भी नहीं कह सके क्योंकि पार्वती शिवजी से बहुत प्यार करती थी। तब भगवान नारद जी के पास हिमवान पर्वत ने और माता मैनाकिनी ने कहा कि मेरी बेटी की शादी शिवजी से कैसे हो, जो तो समाधिस्थ होके बैठे हैं और यह तो उनसे उनके साथ शादी करना चाहती है और यहाँ तो शादी होने की कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, वो किसी स्त्री को जब से सती चली गई है वो किसी को चाहते नहीं, अब क्या करना है आगे। तब महर्षि नारद ने कहा हे माँ पार्वती, इस संसार में जितने भी कठोर व्रत है, जितनी भी कठोर तपस्या है, उनको प्राप्त करना क्या मामूली बात नहीं है, उनके अगर योग को, उनके समाधि को भंग करना चाहिए तो आपको तपस्या करनी। माता पार्वती ने नारद जी का कहना मानी और वह हिमालय में चली गई। उन्होंने कोई 5 वर्ष एक समय भोजन करते हुए तपस्या की, बाद में भोजन बंद कर दिया, फलों पर रहकर तपस्या की, बाद में फलों को बंद कर दिया, जल पर रहकर तपस्या की, और बाद में उसने केवल वायु भक्षण करते हुए तपस्या की। तब भी शिव अपने समाधि से लौट के नहीं आए तो सभी ने कहा कि शिव जी को तपस्या से लौटने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करने पर विष्णु ने कहा कि अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देते हो हे कामदेव भगवान, अब आप एक बार शिवजी के ऊपर भी अपना काम बाण छोड़ दो ताकि वो पार्वती को देखें और उनसे उनको ब्याह करने की इच्छा जागृत हो। काम को सभी देवताओं ने, सभी स्त्री देवताओं ने चढ़ाया कि शिवजी को उस योग समाधि से टूटते हुए संसार में आने के लिए अब कुछ करो। कामदेव को अपने बाण पर गर्व था, जो प्रेम काम का बाण है, उन्होंने फूलों का बाण बनाया, गन्ने की लकड़ी से बाण बनाकर उन्होंने समाधिस्थ शिवजी के ऊपर उस बाण को छोड़ा। जैसा ही बाण छूटा वसंत ऋतु आ गई, पूरे फूल खिलने लगे, मोर नाचने लगे, अच्छे सुगंध की वायु आई और अगर मामूली से मामूली मनुष्य होता तो इस प्रकार काम बाण से व्यथित हो जाता कि उसे कुछ न कुछ चाहिए, इस प्रकार हो जाता, लेकिन वह तो शिवजी समाधिस्थ थे। उन्होंने देखा कि इतना सुगंध, इतनी पुष्प वर्षा, इतने पशु पक्षियों की चलचराहट,
मोर का नाचना, सारे पशु पक्षी का आनंद, ये सब कहाँ से हो रहा है? मुझे आज वाले में ये सब कहाँ से आया? और उन्होंने अपने ध्यान में देखा कि यह सब कामदेव के बाण का असर है।